वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड में असीं जाणांगे तैमूर ने किवें मुल्तान ते हमला किया। तैमूर पंजाब ते सिखां दे कब्जे कारण दुखी तो बहुत सी, पर मजबूर होण कारण कुछ नहीं कर सकता सी। उस एक वारी एक चिट्ठी दे जवाब विच, जिस विच पंजाब ते हमले करन लई प्रेरिया गया सी, लिखिया सी, मेरे प्यो अहमद शाह अब्दाली ने की खटिया सिखां नाल लड़ लड़ के, पर जद भंगी सरदारा ने मुल्तान ते कब्जा कर लिया तां उसनूं अपनी होंद खत्म हुंदी दिसी ते उसदी अणख ने तैमूर नूं वंगारिया। भंगी सरदार डेरा इस्माइल खान ते डेरा गाजी खान वल भी वध रहे सन। तैमूर ने मुल्तान ते हमला करन दा मन बनाया। तैमूर ने गाजी फैजुल्ला वाला ही हथियार वरतना आरंभिया, अफगाना की अणख नूं टुंबिया, यूसुफ जई दुरानिया ते कजल बादशाह नूं एक झंडे हेठ इकट्ठे कर लिया। जहाद का इतना उच्चा ढंडोरा उस पिटिया कि मुगलों ने भी साथ देण दा ऐलान कर दिता। 16,000 के करीब फौज उस तैयार कर ली। जंगी खान दुरानी ने फौज का कमांडर नियत किया। सिख काबल में हो रही इन्ह तैयारियों तो अणजाण सन। उन्हें फैजुल्ला की मौत पिछों यह ख्याल किया कि तैमूर ने अब्दाली वाली नीति छड़ दिती है। फिर तैमूर ने अपनी फौज की पेशकदमी भी भेद में रखी। सिखां दे सूहे भी जो टोह लगाउण विच सब तो अगे हुंदे सन, इस हमले तो अणजाण ही रहे। गल यही जापदी है कि सूहे अपना काम छड़ चुके सन ते तैमूर वल्लों अवेसले सन। तैमूर दियां फौजां चुप चुपीते अपना सफर मुल्तान वल कर रही सन। बड़ी पिछों जाके पता लगा कि फौजां ने कूच कर दिता है, पर भंगी सरदार यह समझते सन कि मुल्तान कित्थे पुजन होण लगा है। इस तरह जंगी खान फौजां समेत मुल्तान तो 8 कोह ते पुज गया। मुल्तान विच भंगी सरदारां लई यह हैरानी वाली खबर सी। वह तो ख्याल करी बैठे सन कि फौजां अजे अटक भी पार नहीं सन कर सकियां होणगियां, पर फौजां तां मुकाबले लई डटियां पईयां सन। तैमूर ने हमले की व्योंत बनाई, मुगलों ते कजल बादशियां नूं सज्जे पासे कीता, कंधारियां ते दुरानियां नूं खब्बे पासे ते आपू अपने जथे नाल अगे होया। दिन चढ़दी फौजां ने मुल्तान ते हल्ला बोल दिता। मुल्तान विच काबज भंगी सरदार नूं भाजड़ पै गई, पर वह बगैर लड़े किले ते मुल्तान नूं छड्डना भी हेठी समझदे सन। जंग लई भंगी सरदार भी तैयार हो गए। कई घंटे लगातार जंग हुंदी रही। तकरीबन 1,000 सिख हमले विच मारे गए। यह भंगी मिसल ते करारी सट सी। भंगी मिसल लई उह दिहाड़ा खूनी साबित हो गया। उस दिन तो भंगी सरदारां दा ना सिर्फ सन्मान डिगना आरंभ होया, सगों काफ़ी इलाके भी हथों खुस गए। तैमूर ने मुल्तान शहर उत्ते कब्जा कर लिया। भंगी सरदारां ने किले की ओट लैके मुकाबला करना आरंभिया, पर कामयाबी नहीं मिली। हुसैन शाही तारीख दे लिखारी ने मुल्तान विच मरे सिखां दी गिणती बहुत ज़्यादा लिखी है, पर तैमूर शाह ने आप ही लिखिया कि 800 दे करीब सिख थां ते मरे। तैमूर ने किले नूं घेर लिया। किले विच घेरे सिखां ने मुकाबला किया, पर जेतू फौजां अगे उह टिक ना सके। तैमूर आप हमले की अगवाई कर रहा सी। भंगी सरदारा ने किला छड़ना ही ठीक समझिया। वह किला तैमूर के हवाले करके लाहौर वाल नस आए ते मुल्तान ते तैमूर का कब्जा हो गया। तैमूर ने सुजाश खान सजदई नूं मुल्तान का गवर्नर थापिया। इस मुल्तान की जित ने पंजाब विच सिखां दी स्थिति विच कोई खास तब्दीली ना लियांदी अते ना ही तैमूर नूं इस योग बना दिता कि वह सिखां ते सिद्धा हमला कर सके। पर निरसंदेह कहा जा सकता है कि मिसलां दे आपो विच दे मेल नूं तोड़ के रख दिता। भंगी मिसल जो पंजाब नूं कब्जे विच करन दी सोच रही सी, सन्मान गवा बैठी। आउंदे सालां विच कन्हैया दे शुकर चक्के सरदारां ने भंगी मिसल नूं लाहौर ते अमृतसर तक ही सीमित कर दिता। मुल्तान दी हार ने भंगी मिसल दे सरदारां नूं अपने दूजे मिसल भरावां विच हीणा कर लिया खड़ा कर दिता। सो तैमूर दे हमले ने सिखां ते भावें सीधा असर ना पाया, पर शुकर चक्किया मिसल दे वाधे विच जरूर हिस्सा पा दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।